पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या आप हमेशा कास्टिंग ही करना चाहते थे, और क्या बॉलीवुड का कीड़ा शुरू से था कि यार मुझे आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड? हाउ दिस हैपेंड? बॉलीवुड का कीड़ा शुरुआत से था, आई वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड। कास्टिंग इज समथिंग विच जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मुझे थी नहीं, तो कास्टिंग के बारे में जब मैंने इंटरनेशनल फिल्मों में कास्टिंग डायरेक्टर देखा तो वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि ये एक्चुअली है क्या। सो व्हेन आई ट्राइड टू फाइंड आउट एंड गूगल्ड अ लॉट अबाउट द प्रोफेशन ऑनलाइन, आई फाउंड दैट दैट इज वेरी क्लोज टू एक्टिंग। सो देन दैट डे आई डिसाइडेड टू बी अ कास्टिंग डायरेक्टर। जितनी आसानी से आप कह रहे हैं क्या उतनी आसानी से चीजें होंगी? जहाँ से आप आते हैं और मुंबई शहर की तरफ रुख करते हैं, एक संघर्ष का दौर भी रहा, आप आए और आपको सीधा काम मिल गया, ऐसा तो नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा। कैसा वो, आई डोंट नो कि हाउ दिस होल जर्नी स्टार्टेड एंड हाउ योर फैमिली रिएक्टेड टू इट कि यार बच्चे को ये करना है। सी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग व्हेन आई वाज इन स्कूल दैट टाइम माय फादर वर्क्स इन गवर्नमेंट कंपनी कॉल्ड बेल, सो BHEL में वो काम करते थे। और नाउ माय फादर वाज बोर्न इन ईस्ट बंगाल, so he came to India, he was a refugee, later he became a citizen of India, I was born in India and we have seen a lot of struggle. तो हमारे लिए अगर कोई नौकरी भी मिल जाए ना बहुत बड़ी बात थी। नौकरी नहीं थी मेरे फादर के पास, ITI करने के बाद उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनको जॉब मिल गई, और उसके बाद उनका बेटा बोले उनको हीरो बनना है या एक्टर बनना है। एक्टर तो मुझे बाद में समझ में आया, पहले तो लगता था हीरो बनना है, बाद में समझ में आया ना कि एक्टर और हीरो में अंतर होता है। तो जब ये बोला तो उनको बहुत शॉकिंग लगा, but they were always supportive for the fact that okay fine if you want to do it we will always support you, but अपनी पढ़ाई पूरी करना। और वही पढ़ाई मेरे काम आई, क्योंकि पढ़ाई की भी एक आदत होती है ना। अब मैं स्क्रीन प्लेस जब पढ़ता हूँ वो भी तो वो मेरी पढ़ाई की आदत का ही नतीजा है कि मैं स्क्रीन प्ले पढ़ पाता हूँ, नहीं तो उतना पेशेंस रहता कहाँ लोगों में। तो फाइन, चलो फैमिली ने मुझे सपोर्ट कर दिया, लेकिन उनको आइडिया नहीं था और मुझे भी आइडिया नहीं था कि मुझे एक्चुअली शुरू कहाँ से करना है। सुनी सुनाई बात सुन ली कि भाई थिएटर कर लो तो आप अच्छे एक्टर बन जाते हो, और बाय दैट टाइम मुझे मिमिक्री का कीड़ा था, तो मैं 35-40 लोगों की तो मिमिक्री ऐसे ही कर लेता था और हाई क्लास करता था और अच्छी वाली, मतलब ये कि जो द बेस्ट ऑफ मिमिक्री आर्टिस्ट टोल्ड मी ऑन माय फेस कि आई हैव नेवर हर्ड एन वॉइस लाइक योर्स ऑफ अमिताभ बच्चन, में भी अमिताभ बच्चन जी की भी मैं 3 आवाज़ें निकाल सकता था। सो प्राइमरीली मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र एंड विनोद खन्ना आर द मेन पीपल हु बेसिकली जिनको देख के आई वॉज मेस्मराइज एंड आई वॉन्टेड टू कम टू be an actor maybe in Bollywood, wanted to be a part of Bollywood. Not an easy path for sure. Decide chalo kar liya when I was in 12th, but my education had to be complete, so I started doing graduation and sun liya kisi ke naam muh se ki bhai theater nahi karega to actor nahi ban sakta. So I struggled primarily to get into theater. No information about theater. I was studying in this Jivaji University in Gwalior. जहाँ से भी मुझे एक लिंक मिला कि भाई यहाँ पे एक थिएटर, अनिल शर्मा जी थिएटर करते हैं, देयर वाज अ कॉलेज कॉल्ड MLB जहाँ पे वो शाम के टाइम अपने रिहर्सल्स करते हैं। और लोकल थिएटर और बॉम्बे के थिएटर में ज़मीन आसमान का अंतर है, बट हमको तो थिएटर वर्ड पता लग गया तो हम पहुँच गए साइकिल लेके अपने। सो फ्रॉम माई होम टू माई कॉलेज वॉज लाइक 15 किलोमीटर्स, एंड फ्रॉम माई होम टू माई थिएटर वॉज अगेन 15 किलोमीटर्स। सो एवरी डे आई यूज टू गो 15 किलोमीटर्स टू माई कॉलेज, कम बैक होम 30 किलोमीटर्स, 15 किलोमीटर्स टू माई थिएटर ग्रुप, जहाँ पे मुझे थैंकफुली एंट्री मिल गई। और मैंने बस स्टार्टिंग में तो चाय ही पिलाई है लोगों को, लाइंस वाइंस तो कुछ मिलती नहीं, खड़े हुए भाला लेके, इट वॉज लाइक दैट। सो लाइक 15, 30, 60 किलोमीटर्स की तो साइकिल ही चलाई है मैंने, थिएटर तो घंटा नहीं किया टू बी स्पेसिफिक। देन बट माई यू नो अंडरस्टैंडिंग एंड माई यू नो क्वेस्ट वॉज ऑलवेज देयर कि हाँ, if this is not making me happy, if this is not what I want, I kept on researching on that. I was not really happy in that theater group because one thing, I never got to learn anything. Second thing, I never got to learn anything because I never got any role. So understanding kahan se aayegi? Then I researched and I tried to find out, okay fine, if not this then what, who is going to teach me acting? Then I came to know of Barry John, National School of Drama, Film and Television Institute of India, Bharatendu Natak Academy, Adi Shakti, everything that I came to know. And I decided that I did not want to do something which is long term. I did not want to invest in something which is like a 3-year course. I wanted to do something small so that quickly I finish the course, and I, because my instincts were good enough, I thought that that is good enough of a reason to be an actor. And then I paid like my 40,000 in 2012 and I got into Barry Jones Acting School.
He's primarily started with Sector 16 in Noida. His first college, a center in Delhi, I was a student of that. So in 2002, I did that course. And then I thought, okay, fine. I was not happy. So I thought, now this is a very small course. I need to learn something which is longer. Probably I should now do theater. So then I started doing theater, and side by side, I am not from a very well-to-do family. I was working in a call center. So in the evenings, I used to work in a call center, and the daytimes I could do all the theater rehearsals and all. Did not work out. It was not a cakewalk. I could not do anything in theater. I just did rehearsal. There was no shows I had done, nothing I could do. So then there were my friends who had just done the Barry Jones Acting School, and quickly they came to Bombay. I was in touch with them. I came to Bombay after staying in Delhi for a couple of years. So now Bombay, that was the first time I had ever come to Bombay in 2003. I came and stayed with my friend, and there was a major problem with my friend because Bombay is not very easy to stay. The ghar ka sabse bada locha hota hai. So one fine day I had a problem with my friends, and I am pretty... आप उसको सेल्फ रिस्पेक्ट बोल सकते हैं या आप उसको ईगो भी बोल सकते हैं. टेढ़ी बात बर्दाश्त नहीं हुई तो हम सड़क पे आ गए अपना बैग उठा के. आई हैड नोबडी टू गो टू. सो और बिल्कुल ही अनजान था. सो देयर वाज वन मोर फ्रेंड ऑफ माइंड हु दूर के कनेक्शन का कुछ फ्रेंड था. ही इंट्रोड्यूस मी टू सम पीपल एंड आई स्टार्टेड लिविंग इन दिस बिग ऑफ अ रूम. एंड वी यूज टू स्टे लाइक 13 ऑफ अस इन दिस बिग ऑफ अ रूम इन बहरामबाग. छोटे से कमरे में 13 लोग. सबका खाना मैं बनाना शुरू कर दिया. सबका पानी भरने का सारे काम मेरे को ऊपर आ गए. तो वो सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस थी. स्लोली आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि दिस इज अगेन नॉट गोइंग टू टेक मी एनीथिंग क्लोजर टू द फिल्म इंडस्ट्री दैट आई वॉन्ट टू बी इन. आई स्टेप्ड आउट ऑफ दैट प्लेस एंड आई स्टार्टेड लिविंग इन मालवनी. एंड बाय दैट टाइम आई हैड कनेक्टेड टू दीज फिल्म इंस्टीट्यूट्स अगेन. And they were proper film institutes. They were not acting institutes. They were film institutes. Film and Television Institute of India primarily, Whistling Woods, and Satyajit Ray Film Institute. Then I went there and properly assisted people there. The name I said, Kanu Behel, I was his assistant in most of his projects in the institute. I acted in that and properly started learning. My first encounter with world cinema happened in SRFTI. So then, after he finished his course, I also almost finished a course because I used to watch all these, world cinema there. There was a lot of discussion on acting. There was a lot of rehearsal as an actor. And then eventually I came to Bombay again. And in 2006 to 2008, I stayed in Bombay and I was still feeling very vacant. I was not really happy. I still thought that if I really want to work in the industry as an actor and something which is close to acting, I still need more information. I did not have understanding of when people used to talk about, Stanislavski and all the acting gurus people used to talk about. Mujhe kuch nahi pata tha. So then I appeared for the exam of FTII and I got a part in that. And then I properly studied film acting for 2 years, 1 year extended because of the diploma. And as soon as I came back, I started working with Seher Lateef, and since then I've been doing mostly casting and acting. Seher Lateef ki baat aapne jitni aasani se kahi, utni aasani se to hua nahi hoga. Aap aaye, aapne unke saath kaam chalu kiya. Ji. Then bhi a process kab mile, kya mulaqat hui, how you met her? Haan. She said yes, you are on board, or you felt like yeah, this will be a turning point. This is what I want. Right. And this is how it happened. How our destiny have taken you to Seher Lateef? No, I'll tell you. बहुत आसानी से कह रहे हैं आप चीजें. हाँ. मुझे लगता है कि आसानी से होती है. नहीं, कोई भी चीज आसानी से नहीं हुई. और आपके मुलाकात हुई या इत्तेफाक से कहीं आपकी मुलाकात हुई, आपको लगा कि यार ये तो मैं करना चाह रहा था, और this is the first fees or the amount I'm getting paid for my work. Right. This is what I wanted. See, I'll tell you one thing is common in all the big people.
जो भी अपनी जगह पे जो किसी अच्छी जगह पे उनमें एक चीज़ कॉमन है, उनको परख बहुत अच्छी होती है लोगों की, यू नो, कि आप उनसे मिले एक बार, दो बार, चार बार बात की। मैं खुद एज ए कास्टिंग में बोल सकता हूँ कि मैं आपसे 5 बार बात करूँगा, मुझे पता है कि मैं आपको किस जगह पे कास्ट कर सकता हूँ। सिमिलरली लाइफ की कास्टिंग मेरी सहर लतीफ़ ने करी, ठीक है। आई वॉज इन बॉम्बे फिल्म सिंस 2000, इन द प्राइमरी बिगिनिंग ऑफ 2011, मेरे पास एक दिन का भी काम नहीं था। मतलब लिटरली मैं पूरा 9-10 महीने कैसे गुजारे मैं ही जानता हूँ। मैंने दोबारा कॉल सेंटर ज्वाइन किया था टू सस्टेन। सो नाउ आई वॉज ऑलरेडी रिसर्चिंग अबाउट कास्टिंग एंड द कास्टिंग डायरेक्टर्स हुम आई कुड गो एंड असिस्ट, एंड मैनी ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स दे वर इन टू कास्टिंग, दे हैड ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एज कास्टिंग डायरेक्टर्स, बट आई कुड नॉट यू नो बिकम देयर असिस्टेंट्स। I do not know what was lacking in me that my closest friends could not trust me as a casting assistant. So, जैसे कि मैं अपनी काफ़ी सारी casting Facebook की मदद से करता हूँ, मेरी casting life में as a casting director Facebook के through हुई। I saw a post on Facebook by Munish Sharma. So he said that I am looking for a casting assistant. And वो जो post था वो मुश्किल से 3 मिनट पुराना था, 3 मिनट। And I was the first person to call him. I called him. Very same day, within an hour, I met him. Very same day, in 2 hours, I joined him as a casting assistant. So I joined him as a casting assistant, and the first project that I was doing was a TV commercial of Sprite. पहले दिन जबकि मुझे कोई भी सो पहले दिन एज अ कास्टिंग पर्सन मुझे जो जब एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने पहले दिन एक दिन में 300 लोगों का ऑडिशन किया था। तो एक दिन में मेरा ये एक्सपीरियंस हुआ। एंड टीवी कमर्शियल्स में कास्टिंग करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें डेडलाइंस होती हैं, चीज़ें फास्ट करनी पड़ती हैं, उसके चैलेंजेस अलग हैं। सो नाउ मुनीश यूज टू वर्क विद ज़हर लतीफ, एंड मुनीश डिसाइडेड नॉट टू स्टे इन बॉम्बे एंड ही वेंट टू दिल्ली टू टीच young kids in one Rohtak mein acting school mein. And in the meantime Seher was working on this international project called Tigers. The man who made No Man's Land and he won Oscar when Lagan was sent, the same director Danish Tanovich was making a Hindi film where Imran Hashmi, Gitanjali Thapa were there. So by that time Seher was looking for an assistant. Munish referred my name. I went and met her. Seher already had an assistant, Shashank. So the very first day I met her, I joined her, and since then I have worked in everything that she has worked on. And for the last 3 years, I have been independent. Okay, ये जब हम बात करते हैं individually आपने काम करने का शुरुआत की casting director, main character casting director. पहला project कौन सा हुआ और और क्या लगा this See, it has been a mixed process. I wouldn't say it is not like a commercial Hindi film जिसमें ये चीज आई और आपका you know turning point हो गया, वो कभी हुआ नहीं। It had been a you know gradual process कि मैं एक तरफ में शहर के साथ भी काम कर रहा हूँ और एक तरफ मुझे कोई और बाहर से ऑफर आ रहा है, दोनों प्रोजेक्ट्स में चला रहा हूँ, फिर उसके बाद ये फिल्म इधर गई, इसके बीच में कोई तीसरा प्रोजेक्ट आया, मेरे पास टाइम नहीं रहा और मैं अपने बॉस के साथ काम नहीं कर पाया, और इस बीच में ये दोनों फिल्म्स इंपॉर्टेंट हो गई, चौथा प्रोजेक्ट आ गया तो फिर मैं उसमें लग गया, तो मैं पूरी तरीके से इवेंचुअली घुस गया। इसमें ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन मेरा ये हुआ और मैंने यहाँ पत्ता काटा और आगे बढ़ गया, ऐसा नहीं हुआ। इट हैज़ बीन ऑलवेज ग्रेजुअल, यू नो, साइमल्टेनियसली थिंग्स केप्ट ऑन हैपनिंग एंड साइमल्टेनियसली इट बिकम हैपनिंग। आई वुडंट से दैट दिस फिल्म इज गोइंग टू और मे बी दिस फिल्म चेंज माई लाइफ, यू नो, बायोस्कोप वाला वॉज द लास्ट रिलीज दैट आई हैड एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, एंड दैट्स अ यू नो वन ऑफ द माइल स्टोन फिल्म ऑफ माई लाइफ एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, बट आई वुडेंट से दैट्स अ टर्निंग पॉइंट, यू नो, थिंग्स हैपन ग्रेजुअली। इंटरनेशनली आई वुड बी एबल टू से दैट होटल मुंबई इज गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट, डेफिनेटली वेडिंग गेस्ट इज गोइंग टू बी, बीचम हाउस इज गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट, बिकॉज ऑल दीज थ्री विल कम टुगेदर, यू नो। गोल्ड के बारे में ना, गोल्ड की भी कास्टिंग की, हाउ गोल्ड हैपेंड टू यू? नो, आई डिड नॉट डू कास्टिंग फॉर गोल्ड। ओके, हाउ यू एसोसिएटेड विद गोल्ड और सत्यमेव जयते? आई एम नॉट एसोसिएटेड टू सत्यमेव जयते एज़ वेल। गोल्ड आई हैव वर्कड एज अ डायरेक्ट कोच फॉर अक्षय कुमार। ओके, एंड आई डिड अ स्मॉल पार्ट आल्सो एज अ कैमियो एज अ यू नो नेगेटिव कैरेक्टर।
अक्षय को खास करके उस लहजे को बताना, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा, जैसे आपने कहा, और मैं खुद भी एग्री करता हूँ, बहुत फैंटास्टिक हिंदी है आपकी, मतलब अगर आप किसी जैसे आप बता रहे थे कि एक लहजा होता है, वो शाह को शाह बोलेंगे और लाया को लाया बोलेंगे, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? और आई होप एंड आई वांट यू टू टेक इट ऑन अ पॉजिटिव नोट, मुझे ऐसा लगता है जब मैं गोल्ड देखता हूँ, अक्षय को जिस लिहाज में उस किरदार को करना चाहिए, बहुत फोर्स लगता है. अच्छा, आई डोंट नो. I get your point. I totally get your point. The thing is, there are two things. One thing, it is unjust to even judge Akshay working on something like this. Why? The second point comes then. We have seen all the Bengali actors doing Hindi films. Mithun Chakravarti, Utpal Dutt. You know, these are the major... Keshto Mukherjee, Kishore Kumar. These are all Bengali actors. They did Hindi films. Hindi film में जब वो हिंदी डायलॉग्स बोलते थे तो आपको आपने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज़ को वहाँ पर कि एक कि ये नॉर्थ इंडियन कैरेक्टर है. Why Akshay Kumar is questioned? You know, Utpal Dutt was never a North Indian character. He was always a Bengali. Yes. Whatever he's playing, he is Bengali. He will always Bengali, whatever he's playing. He is speaking English and he's a Bengali English speaking person. You could adjust that, you could accept that, why not Akshay Kumar? Right? That is one thing. Second thing, we are not making a Bengali film. We are making a Hindi film. Where there is this character who is from Bengal, who is speaking in Hindi. So these are the things we will do. So which, like for me, and for me, I did not expect this much from Akshay Kumar at all. मैंने कभी मतलब उनको कोई ऐसा speech pattern change करते हुए मैंने किसी और actor मतलब किसी और film में देखा नहीं है. This was like brilliant for me. I was really happy with that. That is one thing. The second thing is about the experience. If you ask, when we started working on this thing, like layer by layer, we work on something like this, right? We directly don't come to the final product that this is going to happen. Firstly, we started with the letters that a Bengali makes mistakes while speaking Hindi. That is sa, sha, ra, koda, da, kora. Then the second thing that is, there is a major problem in the gender. Wo bus aa rahi hai ki bus aa raha hai, truck aa raha hai ki truck aa rahi hai, ye bada mushkil hota hai unke liye. Aur wo hamesha mistakes karenge. Something ra, koda wali baat agar bolen, jaise agar main aapse bolun ki darwaze se machhar aaye, हमने बैठ के पकोड़े खाए. अब यही कोई बंगाली बोलेगा तो बोलेगा दरवाजे से मच्छर आए और हमने बैठ के पकोड़े खाए. सो दीज आर द थिंग्स वी इनकॉर्पोरेटेड प्राइमरीली. दीज आर द थ्री थिंग्स वी इनकॉर्पोरेट प्राइमरीली. देन वी गॉट इन टू एडिंग बंगाली लाइन्स. अब जैसे लोकोक्तियाँ और मुहावरे होते हैं ना, वो बंगालीज एक स्पेसिफिक तरीके से यूज़ करते हैं. जैसे दुग्गा दुग्गा बोलते हैं या गाछे काटाल गोपे तेल बोलते हैं. ये सारी लोकोक्तियाँ और मुहावरे हैं जो इनकॉर्पोरेट किए गए. सो आई एम टोटली सैटिस्फाइड बाय द वे इट हैज़ वर्कड ऑन अक्षय कुमार. आई नो इट इज़ अ चैलेंज. ही इज़ अ समबडी हु इज़ अ पर्सन हु इज़ अ पंजाबी गाय, राइट? एनी ऑफ हिज फिल्म्स यू सी, यू नो दैट दिस गाय इज़ पंजाबी बिकॉज ऑफ द वे ही स्पीक्स, द वे ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ. राइट. No matter which subject or whichever subject is working on, right? But it'll give you a feel of that. I was pretty happy with that. Like I am, sad to know that maybe you are not happy about it. But there was a lot of effort from his side for sure. Okay. Apart from this, what other things is happening on professional front? Professional front, all these films are coming. There is this major British series called Beecham House is coming, which Gurinder Chadda is directing. So I am casting director on that, and I am an actor also in that. So there is a part that I am playing. There are two big films called Hotel Mumbai and The Wedding Guest. They will all release all three of them will come this year. Beecham House is being shot now. They will shoot till November end. So probably early next year it will come. But Hotel Mumbai will release this year because it's the 10-year anniversary of the 2611 attacks which Kasab and the team did on Taj Hotel. So usko is saal release hona hai, and Wedding Guest and Hotel Mumbai both are in TIFF, Toronto International Film Festival.
So, and apart from that, there is a major web series called for Amazon Prime called FOMO Shorts, which is coming this year. PNC and Amazon, they have produced it. And the second and the third season are being planned that probably we'll cast. Let's see. Okay, Prime, Mira, please continue. there's one more Hindi film which I'm very proud of. I mostly become proud of the films where I have the chance to be able to cast people who are fresh and new and probably not explored much. So Chaman Bahar is a film by Saregama which has like almost 100% fresh casting. So these are the projects which are coming. ओके आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्या जो मुझे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरेक्शन आपसे जो मैं महसूस कर रहा हूँ, एक्टिंग ज्यादा एंजॉय करते हैं आप, और क्या एक्टिंग मतलब एक्टिंग को भी करियर बनाना है कहीं ना कहीं डाउन द लाइन, इट इट इंटरेस्ट यू अ लॉट अपार्ट फ्रॉम कास्टिंग? See, I'm a trained actor and my primary interest is always acting. That is the reason why I got into filmmaking. So, at this point of time, I want to be a proper filmmaker. When you start, I wouldn't say that is because one is not getting work in acting, that is probably the reason why he got into casting or want to be a filmmaker. That is not the case with me. I am pretty secure in this zone. You know, I am not somebody who would probably, you know, hunt for other things just because this did not work out. We have the biggest of examples of our stalwarts, our actors who stayed there for 10 years and then got a role. I came to Bombay in 2011, and 2011 से 2003 to 2011 इस बीच में बहुत सारी ट्रेनिंग्स हुई, बट आई प्राइमरीली थिंक दैट आई केम इन बॉम्बे इन 2011. 11 to 18, 7 years. 7 years मैंने कास्टिंग की है. सो यू कैन नॉट से दैट आई बिकेम अ कास्टिंग डायरेक्टर बिकॉज आई कुड नॉट बिकम एन एक्टर. आई एम एक्टिंग, आई एम ऑलरेडी एक्टिंग. बट डेफिनेटली एक्टिंग इज माई फर्स्ट लव. डेफिनेटली इट इज माई फर्स्ट लव. बट सिंस आई हैव सीन अ लॉट नाउ एज एन आर्टिस्ट, एज अ फिल्म मेकर, to be able to direct is something which is really exciting me now. I have written down something which I will make next month. I have decided to shoot. Thank you so much. Thank you so much. Okay,